लगे तो वो लड़का ठीक लगेगा, हमारी बिजनेस टीम का हिस्सा बन सकता है। फिलहाल उसे मैंने ट्रेनिंग पे 3 महीने के लिए रख लिया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी हुई तो उसे परमानेंट कर देंगे और वो तुम्हारा बहुत एहसान मंद है। इसमें एहसान की क्या बात है, तो उसके नसीब में था। खैर मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कहा कि उसको जो भी पैकेज उन्होंने डिसाइड किया 1 महीने की जो सैलरी है उसको एडवांस दे दें और इंस्टॉलमेंट में काट लेंगे। ठीक है कमल, इस अच्छे और नेक काम पे तुम्हें शाबाश देने को दिल करता है। इसमें शाबाश की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुझे लगता है सलमान भाई कि अगर सब लोग ऐसे सोचना शुरू करें ना कि ये उनका फ़र्ज़ है, तो हमारे मुल्क के हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाए। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि हमें ऑफिस में अफ्तारी की भी अरेंजमेंट करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह स्टाफ से मुलाकात तो होती रहती है और प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो जाते हैं, कम्फर्ट जोन थोड़ा डिवेल्प होता है। आपका क्या ख्याल है? गुड आइडिया। वैसे रमज़ान शरीफ में और ईद पे गेट टुगेदर तो होती है, अगर स्पेशल अफ्तारी का अरेंज किया जाए तो मेरा ख्याल है ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इस सिलसिले में मेरे ख्याल से आप कुमैल से बात कर लो सलमान, तो फिर जो भी मुनासिब लगता है तुम दोनों को तो वैसे अरेंज करना। कुमैल शायद बैंक तक गया, जैसे वापस आता है इस प्रोग्राम को फाइनल करते। ओके डन। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आइए ना, आइए आइए बैठिए। अब बताएं कि आप कैसी हैं और अहमद अंकल कैसे? अंकल का बिजनेस कैसा चल रहा है? सब खैरियत है ना घर में? क्या बात है आंटी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, देख रही थी कि तुम वही पहले वाली परीक्षा हो जो कुछ दिन पहले लड़ने मरने के लिए तैयार थी। जी आंटी मैं वही, और खुदा का शुक्र है कि मुझे जल्दी अकल आ गई। हाँ, और खुदा करे कि ये अकल अब हमेशा कायम दायम रहे। अच्छा अब खैरियत है ना, आप जल्दी आ गई? क्यों, तुम्हें मेरा जल्दी आना बुरा लगा? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। कुछ नहीं, घर में फारिग थी, बोर हो रही थी, सोचा चल के अपना दिल ही बहलाऊं और देखूं यहाँ क्या हो रहा है। सुना है कि आजकल हाशिम विला में खुशियों का राज है। माशाल्लाह से, अल्लाह करे अब इन खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन। हुरैन कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुमसे बाद में मुलाकात होगी। जी आंटी। अरे मामा आप, और इस वक्त सरप्राइज, देखा कर दिया ना हैरान। बिल्कुल। अरे वाह आंटी आप इतनी जल्दी आ गई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी तो इफ्तारी को भी कई घंटे बाकी हैं। अच्छा तो लौट जाओ। ओह नहीं 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 मेरी मामा, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। बल्कि अच्छा हुआ कि आप आ गई, इसी बहाने हमारा वक्त भी गुजर जाएगा और इफ्तारी बनाते हुए पता भी नहीं चलेगा। कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं थैंक यू सो मच, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि अभी शॉपिंग पर जाऊंगी और वापसी पे आपको साथ लेती आऊंगी। घर में अकेली थी, तुम्हारे डैड पता नहीं इस्लामाबाद से कब आएंगे, सोचा चलो आज का पूरा दिन जाके हुरैन के साथ गुजारती हूँ और ये भी देखती हूँ कि हाशिम विलास में आजकल क्या हो रहा है। यहाँ तो हर तरफ सुख चैन। घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले परीशे से मुलाकात हुई, उसका बदला हुआ रूप देख कर मैं तो बहुत हैरान हूँ, कहीं उसकी ये भी तो कोई चाल नहीं? नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा वाकई में बदल गई। हाँ मामा, अब वो परीक्षा पहले जैसी परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी सहेली परी है। चलो ये तो अच्छी बात है। आए ना मामा बैठे आप। मैं अभी प्रीशे को बताती हूँ, समझता क्या ही खुद को,
कैसी घटिया नेगेटिव सोच रखता है स्टुपिड किड का। आई थिंक नमाज पढ़ी होंगी, एंड डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। ये जो तुम्हारी इंसानी हमदर्दी वाली सोच है ना, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमन राइट्स वगैरह, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही औरत इस काबिल होती है कि उसे बराबरी दी जाए। हमारे इलाके में हमारी रियाया काम करती है, और उनकी ड्यूटी है कि वो हमारा काम करें। छोटी मोटी कुर्सियों के लिए लोगों के आगे सर झुकाने के बजाय अच्छा है तुम मेरी हवेली में झुके हुए सर देखो। ख्यालों में घूमे मैडम, वापस आ जाए। कुछ कहा तुम लोगों ने? नहीं, हम तो अपने आप से बातें कर रहे थे। Well guys, मैं सोची थी आज कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए। हाँ तो क्यों ना वो वाली डिशेस बनाए जो ज़ारा बनाती है, आलू भरे प्याज, कीमा भरे टमाटर और पता नहीं क्या क्या। नो, इससे तो बेहतर है हम वही बनाए जो हम लोग बना रही है। देखो इसीलिए तो कहते हैं कुछ नया करने के लिए डेयर होना चाहिए। Well, daring तो मैं बहुत हूँ, लेकिन एक डर है, अगर डिश खराब बननी ना तो बहुत किट लगेगी और उससे मैं बहुत डरती हूँ।